बेजुबान इश्क का मतलब यही है कि जिसकी जुबान ना हो और वो इश्क करे और बता ना पाए। बहुत अच्छी मूवी बनाई है जसवंत सर ने, जसवंत गंगानी जो डायरेक्टर हैं राइटर हैं इस फिल्म के, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है और कमाल की फिल्में बनी हैं, लव स्टोरी फिल्में हैं लेकिन कुछ डिफरेंट हैं क्योंकि जसवंत सर ने 58 फिल्में बनाई गुजराती में और सारी हिट फिल्में हैं, अवार्ड मिले हुए हैं उनको सारी फिल्मों के, और ये फर्स्ट डेब्यू फिल्में हैं। और आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको इस फिल्म के अंदर में एक मैसेज देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं से प्यार जो लुप्त हो रहा है शायद ये फिल्म खींचेगा उस प्यार को, और आप फिल्म देखने जाएंगे आप फिल्म के अंदर में वो मैसेज देखना कि कितने मतलब कैलकुलेशन से वो सारे मैसेज हैं और किस हिसाब से स्क्रीन प्ले डायलॉग स्टोरी लिखी गई हैं और कितना अच्छा कैमरा वर्क है, कितना अच्छा म्यूज़िक है, कितने अच्छे गाने हैं, वो सब आप सुनेंगे और आप जा कर के देखिए फिल्म को, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे इसमें एक ही वर्जन है, वैसे उसके दो हैं, दो गाने, एक गाने के दो वर्जन हैं, एक ड्यूट है और एक सोलो है, तो दो लाइन मैं उसका गुनगुना देता हूँ। ऐसा क्यों होता है दिल ये क्यों रोता है, जो नहीं था तेरा फिर क्यों उसकी आस है रे, कोई मन में हंसता कोई मन ही मन में रोता, कोई मन में ये घरौंदा बनाए, कहीं छल के खुशियों के आंसू कहीं रोए दुख से, नैना नैना ये समझ भी न पाए बांवरा दिल परिंदा, कहाँ है इसको जाना ये न जाने, कहाँ है इसको जाना। तो मैं विचारों को किताब के रूप में लेके देखता हूँ कि मेरे लिए गाना नहीं है, मेरे लिए हिस्ट्री है, बस वो हिस्ट्री में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। सर पहला प्रोजेक्ट क्या था जिसने आपकी लाइफ ही बदल दी, अगर बात करें जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, पहला असाइनमेंट क्या था, जस्ट वो बताना चाहेंगे आप? पहला मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था अवेयरनेस डे, अवेयरनेस डे में पहला गाना आया था मेरा ओ बुल्ले शाह, आप सभी लोगों ने देखे होंगे। देन आया मेरा देवडी, देवडी का वो गाना था ओ परदेसी, जिससे मेरी पहचान बनी। देवडी के बाद में आयशा गल मिठी मिठी बोल, फिर वेकअप सेट का एक तारा, फिर शोर इन द सिटी का साइबो, देन कबीरा मल्लो मल्ली मौसम का, नो वन किल जैसिका का दिल्ली दिल्ली, इतने सारे गाने आए हैं और अभी आ रहा बेजुबान इश्क का दिल परिंदा। तो बहुत सारा प्यार जो मेरे फैंस हैं जो मुझे दिए हैं इस तोची रैना को, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप प्यार देते रहिए, मैं आपको नई नई चीज़ें सुनाता जाऊँगा। हाँ जी, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी इस फिल्म के लिए गाना मेरे दिल में बाकी है, अभी गाना या कुछ ऐसे तमन्ना है? ख्वाहिशें कभी मरती नहीं है आदमी की, बस यही है कि मैं नहीं हूँ। स्ट्रगल मैं कब करता था, जब मैं घर से निकला 15 साल की उम्र में, उस टाइम मैं स्ट्रगल करता था, उस टाइम मैं सीखने जाता था गुरुजी के पास, पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास, और भूखे प्यासे रह के 20 किलोमीटर जाना है और आना है और 8-8, 10-10 लीटर पानी पीना है, छोले खा के गुजारा करने हैं, वो मेरा स्ट्रगल पीरियड था। और उसके बाद जब मन बनाया कि अब मुझे इंडस्ट्री में आना है, तब मैं वॉरियर हो गया कि अब मुझे यहाँ पे लड़ाई करनी है अपने आप से और अपनी जगह बनानी है। तो एक वॉरियर ही अपनी जगह बनाता है वहाँ तक जिसको फाइट करना आ जाता है, और मैंने फाइट अपने आप से की, आज भी कर रहा हूँ म्यूज़िक के लिए, क्योंकि म्यूज़िक इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है, इसलिए मैं 10 घंटे रियाज भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 20-22 साल मैंने सीखा है और 8-10 साल मुझे हो गया वेस्टर्न क्लासिकल गिटार सीखते हुए, तो सिर्फ म्यूज़िक के लिए, क्योंकि म्यूज़िक में कुछ अच्छा करना है शायद, इसलिए बचपन से मैं सीख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपके बहुत सारे फैन हैं और एक अलग हटके गाने होते हैं आपके, बिल्कुल हटके, जो एक पब्लिक भी बहुत पसंद करती है। बिल्कुल, हाँ, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के? पब्लिक को एक ही चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो अगर मेरी आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो उनको एक चीज़ बता देता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर में मैं एक अकेला इंसान हूँ इंडिया के अंदर जो वोकल साउंड, वोकल भी एक साउंड होता है, उस साउंड पे पिछले वोकल कॉर्ड को आधे घंटे में खींच के लाके उनको वापस खड़ा कर दिया। ऐसे बहुत से सारे केसेस आए हैं, अस्थमा आए, जॉइंट्स, स्लिप डिस्क, म्यूज़िक फिजियोथेरेपी से उनको ठीक किया हूँ। और वोकल को पिच करेक्शन कैसे करते हैं उस पर 15-16 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा वोकल जो है वो अलग सुनाई पड़ता है। क्यों?
क्योंकि उसके पीछे साधना है, एक जन्मों की नहीं, कई जन्मों की, कई जन्मों की साधना है जो आपको भीड़ से अलग करती है। इसलिए आपको मेरी आवाज़ भीड़ से अलग सुनाई पड़ती है, इसलिए आप मुझसे प्यार करते हैं और कहीं ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ। एक बिल्कुल मेरा एक गाना है आयशा का, आप लोग जरूर सुने होंगे, दो लाइन आपके लिए गुनगुना देता हूँ। गल मिठी मिठी बोल, रसकानों विच घोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही ढोल, मन दे नैना तू खोल, चाहत के मोती रोल।